अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में जिन लोगों तकरीबन में 500 से फर्स्ट पेपर्स में आए हुए होंगे, ठीक है, कामयाबी होगी। डेली तक आदमी देखना है जिन लोगों ने G7 G1 OM11 ड्राइवर किस वीडियो को स्टार्ट कर मजीद। अगर आपने हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल में शामिल होना तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोगों ने जाकर लाजमी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आइडा में, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग मीन्स, ठीक है, ये जो आइडिया में इसका आंसर होगा ये आपके सामने है, टू मिस रिप्रेजेंट, ठीक है, टू मिस रिप्रेजेंट, ठीक है, ये इसका आंसर है। मैं आपके लोगों के साथ जल्दी जल्दी मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे एक फिर आइडम पूछ रहा है, टू बी रूलिंग इन द मनी मीन्स, आइडम है जी टू बी रूलिंग इन द मनी मीन्स, इसका मतलब होता है वेरी रिच, वेरी रिच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आता है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें ये सैनिनम्स आ गया है जी, ये सैनिनम्स मैं आप लोग को बता देता हूँ। कैटास्ट्रोप्स, कैटास्ट्रोप्स इसका सैनिनम्स है जी डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर कोई थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हो जाए तो ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं आपको जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे फिर एक सैनिनम्स आ रहा है जी वेन, वेन द सैनिनम्स ऑफ वेन इज इसका है जी डिस लाइन, डिस लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया ये फिर सैनिनम्स है डिसडेन, डिसडेन का सैनिनम्स, सैनिनम्स ऑफ डिसडेन इज ये कह रहे हैं जी स्कर्न, स्कर्न, ठीक है। ये जी बहुत अहम क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, तो आप लोगों ने इनको लिख लेना है या आपने ये वीडियो डाउनलोड कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। आगे पूछ रहे हैं जी द सैनिनम्स ऑफ इंगिमा, इनिमा, इनिगमा, सॉरी इनिगमा, द सैनिनम्स ऑफ इनिगमा इज पजल, ठीक है, पजल इसका आंसर है जी, पजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है जी, हो ही हैज़ नो सिंपैथी बेगर्स, ठीक है, इसका आंसर है जी फार, ठीक है, सिंपैथी फार बेगर्स, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आवर बॉडी हैज़ रिमार्केबल रिस्टेंस, ठीक है, आगे डिसीज इसमें कौन सा आएगा, टू, ये वो का प्रपोजिशन वाला है तो इसमें टू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आ रहा है वो मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ही हैज नो ट्रस्ट आगे हिज ओन स्किल, ये सिर्फ फिर सैनिनम्स प्रपोजिशन आ गई है इन, इसमें आ गया ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन हिज ओन स्किल, इन इन इसमें इन आएगा, ठीक है। अगर फिर पूछ रहा है ही शोड ग्रेट टेनेस्टी, आगे खाली जगह है, प्रपोज इन ब्रिगिंग द टास्क टू कम्प्लीशन, इसमें ऑफ आएगा, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, आप लोगों ने इनको समझ कर याद करना है, ठीक है। हम क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने क्या आ रहा है, देर इज़ नो नीड फॉर यू टू बी सो सेंसिटिव क्रिटिज्म, क्रिटिज्म, ठीक है, इसमें टू आएगा, ठीक। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आ गया हिज जील, खाली जगह वर्क इज नॉन टू एवरीबडी, वर्क इज नॉन टू एवरीबडी फॉर, इसमें फॉर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हो ही मे बी स्लो अंडरस्टैंडिंग एट, इसमें प्रपोजिशन एट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज से फिगटिंग, फिगटिंग विद हिज ओपोनेंट, इसमें ऑफ आएगा, ठीक है, इसमें ऑफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं वीडियो छोटी बनाना चाहता था। आगे आ गए द बॉयज इलेक्टेड मोहसिन कैप्टन, पैसे वाइज है जी, ये पैसे वाइज है, इसमें आपने इसको पैसे वाइज करना, मोहसिन वाज इलेक्टिक कैप्टन बाय द बॉयज, ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज ट्रू
टू हिज मास्टर, ही वॉज ट्रू टू हिज मास्टर, ठीक है, ये प्रपोजिशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो मैनी मसारिफ ऑफ ज़कात, ये इस्लाम का क्वेश्चन है, ज़कात के कितने मसारिफ हैं, तो ये आठ है, आपको पता होगा ये आठ है। उसके बाद एक्टिव वाइज पैसे वाइज आ गया। फिर अमजद हैज़ सोल्वड द इशू, इसका क्या होगा, जो द इशू हैज़ बिन सोल्वड बाय अमजद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक है जी दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर। इसमें अल्टरनेटिक है, एलियन है, रेटिक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें पैसिफिक है सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, ठीक है, ये जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी आज की वीडियो का, वो ये है कि पाकिस्तान का दारुलहुकूमत कौन सा है, तो ये है जी इस्लामाबाद। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन है, तकरीबन 20-22 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप लोगों ने इनको नोट डाउन कर लेना, और आज से इंशाल्लाह मेरी डेली की एक वीडियो लाजमी आएगी, आपको पास्ट पेपर जो कि IB के पास्ट पेपर है उनके क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। डेली की एक वीडियो है जिसमें 20-25 MCQs होंगे, और तकरीबन आप लोगों तक मैं 500 से 1000 MCQs पेपर तक लाजमी शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। व्यूवर्स, अगर आप टेस्ट की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं हमसे, तो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, जिससे आपके रिटन टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अगर आप तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल है, आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।